टाइप्स ऑफ फंक्शंस। यहाँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है लाइब्रेरी फंक्शंस, सेकंड होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शन या फिर हम लोग इसको इन बिल्ट फंक्शन भी बोलते हैं, जो कि हमें सी कंपाइलर द्वारा पहले से हम लोग को मिला होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट एस, पुट एस, सील, फ्लोर, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग अपने सी कंपाइलर से डायरेक्ट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट इंक्लूड करके। हम लोग एस टी डी आई ओ डॉट एच हम लोग लेते हैं, कॉन आई ओ डॉट एच हम लोग जो लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे इस टाइप के फंक्शंस पहले से अवेलेबल होते हैं, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ उसको अपने प्रोग्रामिंग में यूज करना होता है, सिर्फ हमें अपने प्रोग्रामिंग में उसको यूज करना होता है, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस या फिर इनबिल्ट फंक्शंस। सेकंड होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड मतलब होता है कि जो यूजर बनाता है, मतलब हम बनाते हैं, जो प्रोग्राम बना रहा है वो खुद से उसको क्रिएट करेगा। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर द फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर सो दैट ही और शी कैन यूज इट मैनी टाइम्स। इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए बिग प्रोग्राम एंड ऑप्टिमाइजेस द कोड। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होंगे? जो सी प्रोग्रामर है, मीन्स जो भी उस प्रोग्राम को बना रहा है, वो खुद से क्रिएट करेगा अपना काम आसान करने के लिए। मीन्स जो वो प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है, उसको वो इजिली समझ पाए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो और कोड को वो ऑप्टिमाइज कर सके, ठीक है। तो वो खुद से अपने से प्रोग्राम बनाता है, ताकि वो बहुत सारे लाइंस के कोड को कैटेगराइज कर ले, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, धीरे धीरे हम उसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। हर चीज हम लोग यूज किए हैं, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस लाइब्रेरी फंक्शंस है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रिटर्न वैल्यू, ए सी फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, ठीक है। रिटर्न वैल्यू हम लोग इसको बोलते हैं, अगर फंक्शन कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है, कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है, या फिर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। वो वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मीन्स फंक्शन जो है वो कोई ना कोई वैल्यू हमेशा रिटर्न करता है, ठीक है। वो वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब नहीं कर सकता है, उस केस में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं रिटर्न टाइप में वॉइड, ठीक है। इफ यू डोंट हैव एनी रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, अगर हमें कोई भी वैल्यू वहां से नहीं मिल रही है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वॉइड यूज करेंगे फॉर द रिटर्न टाइप, ठीक है। अगर वो वैल्यू कोई रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग उसका डेटा टाइप वहां पे लिखेंगे। मीन्स जैसे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न जीरो हम लोग वहां लिखेंगे, ठीक है। या फिर कोई दूसरी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग उसका डेटा टाइप वहां पे लिखेंगे एज ए रिटर्न टाइप में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग ने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया void hello। यहाँ इस फंक्शन में हम लोग एक लाइन यहाँ प्रिंट करें, हेलो सी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा गया है, यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब हमें वैल्यू रिटर्न नहीं। अब उस केस पे अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे void। void का मतलब होता है नथिंग, ठीक है, नो वैल्यू, ठीक है। अगर कोई वैल्यू रिटर्न करता, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग ने एक फंक्शन बनाया गेट, और यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न 10, रिटर्न 10 हमने यहाँ पे लिखा, तो 10 किस टाइप की वैल्यू है? 10 जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे उस केस में रिटर्न वैल्यू में लिख दिया
इंट। इससे ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन जो है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर उसमें रिटर्न स्टेटमेंट होगा और उसके साथ में जो वैल्यू होगी उसका टाइप हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब डेटा टाइप हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वैल्यू के फॉर्म में देगा, हमेशा वैल्यू के फॉर्म पे इनपुट देगा, सॉरी आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को वो रिटर्न करता है, रिटर्न करना मतलब वापस देता है। हम लोग कुछ उसको इनपुट देंगे, वहां से वो बदले में कुछ हमको वैल्यू वापस देगा, ठीक है। कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद या कुछ किसी भी तरीके से वो वापस करेगा वैल्यू, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि हमेशा फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ऐसी फंक्शन की, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा void hello, hello हमने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक ही लाइन हमने लिखा प्रिंट printf hello c, हम यहाँ पे प्रिंट करें और कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट इस फंक्शन में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम लोग इसका डेटा टाइप यहाँ रिटर्न टाइप में क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। रिटर्न टाइप में लिखेंगे हम लोग वॉइड, वॉइड का मतलब होता है नथिंग, वॉइड का मतलब होता है नथिंग, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई वैल्यू रिटर्न करता, अगर कोई फंक्शन हमने बनाया वो अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो कैसा क्या होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल में लिया इंट गेट, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा रिटर्न 10, रिटर्न 10 ये हमने लिख लिया। तो रिटर्न 10 जब हमने यहाँ पे लिखा तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू 10, वैल्यू 10 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो 10 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे इसका रिटर्न टाइप इंटीजर, स्पेसिफाई करेंगे हम लोग रिटर्न टाइप इंटीजर, ठीक है। अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते तो क्या होता, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता void, void void मतलब इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, रिटर्न लिखे हैं हम लोग और यहाँ वैल्यू 10 रिटर्न कर रहा है। तो उस केस पे हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा इंट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं राइट प्रोग्राम, टू डेमोन्स्ट्रेट फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio डॉट h, हैश इंक्लूड कॉन io डॉट h void main, ठीक है, गेट सी एच। यहाँ पे हम लोग ने एक फंक्शन बनाया void main फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। इस मेन फंक्शन में हम लोग जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं हमारे प्रोसेसर पे, ठीक है। अब अगर हमें कोई और स्टेटमेंट्स बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दो फंक्शंस यहाँ पे बनाता हूँ, मीन्स दो फंक्शन हमें बनाने हैं, तो इस void main के बाहर में लिखना पड़ेगा। void main जो फंक्शन है उसके अंदर में हम नहीं लिखेंगे, हम लोग अब कहाँ लिखेंगे, उसके बाहर में लिखेंगे, मीन्स उसी के लेवल पे ही हम लोग को फंक्शंस बनाने होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है उस फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करेंगे,
इस फंक्शन में मैं दो फंक्शन बनाऊंगा, एक एडिशन के लिए बनाऊंगा, दूसरा मैं सब्ट्रैक्शन के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं दो फंक्शन को डिक्लेयर करता हूं। मैं लिखूंगा void, यहां पे जो डिक्लेरेशन हम लोग कर रहे हैं वो ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं, ग्लोबली हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, मीन्स इस सी फाइल में जो यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं, इस सी प्रोग्राम की फाइल में वो इस फंक्शन को कहीं पे भी कॉल करके उसको रीयूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे इसका डेटा टाइप लिखेंगे। सबसे पहले void, मैंने कोई स्टेटमेंट रिटर्न नहीं करवाना है तो हम लोग लिख देंगे void, मैं लिखूंगा एड, ये हमारा फंक्शन नेम है, ये रिटर्न टाइप हमने लिखा void, देन उसके बाद फंक्शन नेम लिखा, और यहाँ पे हम लोग इस टाइप का ब्रैकेट लगाते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट हम लोग देते हैं, और यहाँ पे लगा देंगे सेमी कॉलन, तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, वैसे एक और फंक्शन है बनाऊंगा void subtract, ठीक है, इस टाइप का मैंने एक और फंक्शन यहाँ पे बनाया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन हम लोग कर रहे हैं कि आगे इस प्रोग्राम में हम लोग दो फंक्शन बनाने वाले हैं, दो फंक्शन बनाने वाले हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है, अब हम लोग इसका डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे, सेम जो यहाँ पे हम लोग ने लिखा है void add और इस टाइप का ब्रैकेट, फंक्शन ब्रैकेट्स, ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग को यहाँ पे लिखना है। मैं लिखूंगा void add, सिग्नेचर इसका चेंज नहीं करना है, मीन्स जो स्ट्रक्चर हमें बनाना है वो चेंज नहीं करना है। तो ये यहाँ पे हम लोग ने इसका डेफिनेशन दिया, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम लोग वो सारे कोड्स देंगे जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं, जो जो स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ देना चाहें वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट एक्स कॉमा वाई ले लेता हूँ और एक जेड ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने तीन वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहीं पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ। ठीक है, जेड इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंट डी कॉमा जेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेते हैं, एक्स को दे देता हूँ 10 और वाई को भी दे देता हूँ 10, दोनों को मैंने वैल्यू दे दिया, दोनों को वैल्यू मैंने दे दिया। ठीक है, ये हमारे जो void add है इसका डेफिनेशन कंप्लीट हो गया है, मीन्स इस फंक्शन का, एड फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरा दूंगा, दूसरा कहाँ दूंगा, इस void add के बाहर में, मीन्स ये void add जो हम लोग लिखे हैं, मीन्स जो ये फंक्शन हम लोग लिखे हैं उसका स्कोप यहीं तक अवेलेबल होगा, उसका स्कोप यहीं तक होगा, मीन्स इस ब्रैकेट से ये ब्लॉक हम लोग जो बनाए हैं, इस फंक्शन का ब्लॉक जो हम लोग बनाए हैं उसके अंदर में ही हम लोग को कोड लिखना है, और इस एड को जब हम लोग कॉल करेंगे तो ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे फंक्शन के साथ कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगता है, कभी भी अगर हम लोग सेमी कॉलन लगा देंगे, सेमी कॉलन कहाँ पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट पे लगेगा। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन पे कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगाया जाएगा, अगर हम लोग सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये भी डिक्लेरेशन ही माना जाएगा, डेफिनेशन नहीं माना जाएगा, और हम लोग को मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं void subtract, subtract और इस टाइप के ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। ठीक है, मैं सेम चीज देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सेम मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ int p इक्वल टू 20, q इक्वल टू 30 और r। ठीक है, तीन वेरिएबल दे दिया p q r, मैं यहाँ पे देता हूँ r इक्वल टू p
प्लस क्यू मैंने दे दिया, और यहीं पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं इसको, प्रिंट एफ। और सर माइनस रहे, सर माइनस सर होगा माइनस ना, होगा ना ओके 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 सर ओके माइनस है माइनस। हाँ हाँ ठीक है, माइनस ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्यू माइनस पी कर देते हैं, क्यू माइनस पी ठीक है, क्यू माइनस पी हम लोग ने कर दिया। और यहाँ प्रिंट एफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डबल डबल कोट हम लोग लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे आर इक्वल टू परसेंट डी, और कॉमा देके हम लोग यहाँ पे क्लिक लेंगे आर ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं लाइन यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, जिससे हम लोग पता चलेगा कि हम, छबीलाल माइक म्यूट करो ठीक है। यहाँ पे एक और मैं लाइन प्रिंट कर देता हूँ ठीक है, स्लैश एन इनसाइड फंक्शन सब्ट्रैक्ट ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लाइन प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं डबल कोट में दे देता हूँ, स्लैश एन इनसाइड फंक्शन एड ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग इसको कॉल करेंगे ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन डेमो, फन डेमो डॉट सी ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने दो फंक्शन को डिक्लेयर किया, दोनों का यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग ने दे दिया, वॉइड ऐड हमने बना लिया, वॉइड सब्ट्रैक्ट भी हमने बना लिया ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, मेन फंक्शन के अंदर में आ जाएंगे। जब हम लोग कॉल इसको करेंगे तो मेन फंक्शन के अंदर में ही कॉल करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर में कॉल करेंगे ठीक है। वैसे कॉलिंग हम लोग किसी भी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, आउटपुट में शो करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर में करेंगे। क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करेंगे तो इस फंक्शन को मेमोरी नहीं मिलेगी, और जब फंक्शन को मेमोरी नहीं मिलेगी तो इसके कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन कॉल, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एड और स्टेप का ब्रैकेट और सेमी कोलन बस, और हम लोगों को कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन नेम सब्ट्रैक्ट और इसमें को ब्रैकेट लगाएंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल ठीक है, फंक्शन कॉल हो गया। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल और एक बार कर देता हूँ रन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं z इक्वल टू 20 और क्या प्रिंट किया है, इनसाइड फंक्शन एड आर इक्वल टू 10 ठीक है। हम लोग इसको अच्छे से कर देते हैं, यहाँ स्लैश एन लगा लेते हैं, आगे भी स्लैश एन लगा देते हैं, पर मैं इसको सेव करता हूं और इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट है हमारा यहाँ दिख रहा है z इक्वल टू 20 ठीक है, इनसाइड फंक्शन एड ठीक है, फिर उसको r इक्वल टू 10 इनसाइड फंक्शन सब्ट्रैक्ट ठीक है। तो ये वाला जो z इक्वल टू 20 है ये एड फंक्शन के अंदर का था, और r इक्वल टू 10 इनसाइड फंक्शन सब्ट्रैक्ट ये सब्ट्रैक्ट फंक्शन कॉल हुआ है ठीक है। तो आउटपुट में हम लोग को कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और एक बार हम लोग यहाँ सी एल आर एफ सी आर लगा लेते हैं तो हम लोग का आउटपुट जो है और अच्छे से मिलेगा। कंपाइल देन रन, तो इस प्रकार का हम लोग का आउटपुट यहाँ मिलेगा। तो दो अलग अलग फंक्शन हमने बनाया, दोनों को हम लोग ने मेन फंक्शन के अंदर में कॉल किया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अपने
मेन प्रोग्राम को जो हम लोग इस मेन फंक्शन के अंदर में पूरा को पूरा लिखते थे, 8-10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, 25 लाइन, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसको मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स में तोड़ दिया, ठीक है, मॉड्यूल्स में तोड़ दिया। अब हम लोग चाहे तो कहीं पे भी इसको कॉल कर सकते हैं, कितने बार भी हम लोग इस वॉइड एड, जो एड फंक्शन बनाया, सब्ट्रैक्ट फंक्शन हमने बनाया, जितने बार मन चाहे इसको कॉल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 2-3 बार ऐड कॉल कर देता हूँ, जितने बार मैं चाहूंगा उतने बार मैं कॉल कर लूंगा इसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमें सी कंपाइलर कभी नहीं बोलेगा कि हम इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल नहीं कर सकते हैं, जितने बार चाहे हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमें बार बार सेम कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। हम एक बार फंक्शन बनाते हैं उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो कि एड जो फंक्शन है, हमने यहाँ पे 4 टाइम्स कॉल किया है, हमने 4 टाइम्स इसको नहीं लिखा है, हमने कितने बार लिखा है, हमने इसको एक बार ही यहाँ पे डिफाइन किया है और हमने इसको 4 बार यूज कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसको बार बार लिखा, हमने इसको 4 टाइम कॉल करके ही उसको एग्जीक्यूट कर दिया और 4 बार एग्जीक्यूट हुआ है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से फंक्शंस बनाने से क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है और हमें कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल जाता है। मीन्स हम लोग एक बार कोड करते हैं और बार बार उसको यूज कर सकते हैं।